अमेज़न ने मुझे क्रेडिट कार्ड भेजा है, विच इज क्वाइट फैंसी। मैं तोड़ती ये जो भी कर रहा है ना, उसको मेरी आवाज पक्का सुनाई दे रही है, और जैसे मैं बोलना शुरू करती हूँ चुप हो गया। ओह चुप हो गया। एंड यू गाइस नो फॉर द सेक ऑफ ऑल, Hi guys, I'm Kashika. Welcome to my channel and I'm back again with another Amazon haul. You guys love watching my Amazon haul and here am I with another one. और इस बार तो कुछ भी specific category से नहीं होने वाला, because मैंने literally हर एक category को explore कर दिया है, from footwear, bag, jewelry, accessory, some random quirky stuff. And if you guys know me, then आपको पता है कि मैं for the sake of haul कुछ भी नहीं लेती हूँ, हर चीज़ useful होनी चाहिए and पैसा वसूल भी होना चाहिए, और अल्टीमेटली मेरा यही काम है कि मैं आपको ऑनलाइन वर्सेज रियालिटी दिखा दूँ, ताकि कल को जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो तो वो वर्थ इट होना चाहिए, बिकॉज आई वैल्यू योर मनी एज वेल। ऑल्सो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको एक लिंक मिलेगा माई हॉल स्टोर का, जो आपके लिए काफी कन्वीनियंट होगा, बिकॉज उसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स ईजिली विजिबल होंगे विद प्राइस टैग एज वेल, तो बार बार आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद माई हॉल स्टोर ओनली, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, बेल आइकन पे हिट कर दो, ताकि हम आगे बढ़ पाए, और फिर हम क्या बोलेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद अ ब्रांड जो मुझे काफी टाइम से एक्सप्लोर करना था, बिकॉज ये वाली ब्रांड ना अब ऑफलाइन इतना नहीं मिल रही है, इनके स्टोर्स काफी कम होते जा रहे हैं अब, लेकिन अमेज़न पर ही इजी अवेलेबल है, सो घर बैठे बैठे आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो। सो मैंने मंगवाया है मिनीसो का ये बैग, काफी बेसिक न्यूट्रल कलर है। मुझे काफी टाइम से ना एक ऐसा न्यूट्रल कलर चाहिए था जो इंडियन के साथ भी जाए, वेस्टर्न के साथ भी, लाइक इंडियन कुर्तियों के साथ भी आप इसको इजिली पेयर अप कर सकते हो। यहाँ पर आपको चेन मिलती है, इसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है, यहाँ पर आपको बेल्ट मिलती है, एंड दिस अ गुड थिंग। मुझे ना पूरे चेन वाले बैग्स बड़े गंदे लगते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना हॉरिफिक रहा है ना, जब ये पूरी चेन होती है ना, और अगर आप इसको यहाँ पे लगाते हो, हैंग करते हो, ऑब्वियसली स्लिंग है तो आप शोल्डर पर डालोगे, वो चेन के अंदर बाल फंसते हैं, अनकंफर्टेबल रहता है, कभी कभी कुछ यहाँ पे कपड़ा होता है तो वो भी स्टक हो जाता है। सो मुझे ये चीज़ कंफर्टेबल लगती है, आई रियली लाइक इट। इसी के अंदर इनका एक ब्लैक कलर भी था, सो अगर आप एक सॉलिड ब्लैक देख रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स, एंड अंदर से बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है, लाइक देयर इज नो जिप, सिंपल सा एक प्लेन सा बैग है। एक बार फोन टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज बैग लेने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपका उसके अंदर फोन ही फिट नहीं आता। सो मैं एक बार फोन टेस्ट करके देखती हूँ, एंड या हमारा फोन एकदम फिट आ गया। चलो ये वाला तो थोड़ा छोटा फोन है, मैं आपको और एक बड़े फोन से एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज ये वाला थोड़ा सा और ब्रॉड है, एंड येस दोनों फोन हमारे इजिली इसमें फिट आ रहे हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। मुझे स्पेशली इतने गंदे लगते ना बैग जिनके अंदर फोन नहीं आते, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर यही चीज़ आपके बैग में फिट नहीं आ रही तो कोई मतलब नहीं बनता बैग लेने का। मैंने एक और बैग ऑर्डर किया था मिनीसो का, जो सिल्वर कलर का था, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी। वो इतना छोटा है, लिटरली वो इनको लिख देना चाहिए था कि वो बेबी का कॉइन पाउच है, बिकॉज वो लिटरली कॉइन पाउच ही था, मुझे अच्छा नहीं लगा, छोटा बहुत था। मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगी फोन और बैग के साइज के बीच में, कितना वो छोटा आया था, एंड उसका जो मटेरियल भी था ना वो सिल्वर, लाइक जैसे पेपर नहीं आते, ग्लिटर पेपर्स आते हैं, उसका वैसा मटेरियल था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो मैंने उसी टाइम रिटर्न डाल दिया था, इजीली पिकअप हो गया था, मेरा रिफंड मिल गया था, बट दिस समथिंग आई लाइक, अ बेसिक न्यूट्रल कलर बैग दैट विल गो विद एवरी डैम आउटफिट। नेक्स्ट आइटम इज अगेन फ्रॉम मिनीसो, एंड बाय द वे इस बार मैंने कार्ट को ना अच्छे से चेक किया था, अगर आपने मेरा प्रीवियस अमेज़न हॉल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा मेरे पास तीन आई शेडो आ गई थी, जबकि मैंने एक ही ऐड करी थी, वो मैंने बाद में देखा कि वो आई शेडो क्वांटिटी 3 ही आपको मिलती है, आप एक भी डालोगे ना वो आपको 3 मिनिमम लेनी ही पड़ेगी। सो मिनीसो का एक मैंने आइटम ऑर्डर किया था कार्ट के अंदर, उसमें भी ये था, मिनिमम क्वांटिटी उसकी 2 थी, सो मैंने वो रिमूव कर दिया था, बट मुझे फिर ये वाला ब्रश दिखा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड काफ़ी यूनिक मुझे इसका पूरा डिज़ाइन एंड वर्किंग लगा। सो ये मिनीसो का हेयर डिटैंगलिंग ब्रश, कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे कुछ मैश दिया हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल एक ब्रश है, इसका हल्का सा ना एक एंगल है, लाइक रेगुलर ब्रश जो होता है वो स्ट्रेट होता है, इसका बहुत एक प्यारा एंगल दिया हुआ है, हैंडल इज वेरी प्रिटी गुड। प्राइस मैं सबके यहाँ पे मेंशन कर दूंगी बाय द वे, एंड लेट मी जस्ट सी, ओह इट्स नाइस, ये हार्श नहीं फील हो रहा, काफ़ी सारे ब्रशेज ना हार्श फील होते हैं, एंड बाय द वे अपने आपको क्लेम करता है कि ये हेयर डिटैंगलिंग ब्रश है, सो आई एक्सपेक्ट कि इससे बाल इतना ज़्यादा फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे अब इसको देख के लगा ना, यूजली जो ब्रशेज होते हैं वो पूरे फ्लैट होते हैं, लाइक पीछे से सॉलिड होते हैं, सो रेसिड्यू ना कभी कभी उसके अंदर बैठ जाता है, आप देखोगे आपके ब्रशेज में काफ़ी ज़्यादा रेसिड्यू रहता है। इसके साथ आई थिंक सबसे बेस्ट यही होने वाला है, ज़्यादा बाल स्टक होंगे लेकिन बीच में गैप्स है ना, तो रेसिड्यू नहीं बैठने वाला, एंड यहाँ से अगर हेयर ड्रायर भी कुछ मारूंगी ना तो वो हीट कहीं ना कहीं अंदर जाएगी और वो सारा क्लीन आउट हो जाएगा, बिकॉज मैं ब्रशेज के मामले में ना थोड़ा उसको साफ करती रहती हूँ। सो ओवरऑल आई थिंक आई रियली लाइक इट, कलर भी काफ़ी पिंकी पिंकी सुंदर सा कलर है, एंड या इट वर्क्स गुड नाइस, दिस इज डेफिनेटली आई कैन रिकमेंड टू यू गाइज। नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम माई फेवरेट ज्वेलरी ब्रांड ऑन अमेज़न, विच इज़ जूल्स गैलेक्सी। आपने मेरे प्रीवियस हॉल में काफ़ी बार देखा होगा, मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में जो बड़े बड़े नेक पीस और चेन्स पहनती हूँ ना, वो जूल्स गैलेक्सी के हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक तो अफोर्डेबल होते हैं और वैसे प्रिटी भी काफ़ी लगते हैं।
सो क्या है ना, मेरे पास अब बहुत सारे बड़े बड़े इयररिंग्स हो चुके हैं और मेरा मन था कुछ छोटा छोटा लेने का, जैसे अभी वेस्टर्न पहने कहीं बाहर जाना और बड़े बड़े इयररिंग्स पहनने का मन नहीं है, तो कुछ छोटा सा पहन लिया जो अच्छा भी लगे और आपके कान भी खाली ना लगे। सो मुझे ये सेट ऑफ इयररिंग्स दिखे अमेजोन पर जूस गैलेक्सी के, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। नाउ आई बी ऑनेस्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टीनी टाइनी आएंगे, लाइक ये काफ़ी छोटे आए हैं। ऑब्वियसली मुझे पता था कि छोटे ही होंगे, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे आए हैं। कैन यू सी ये कितने टाइनी टाइनी सी इयररिंग्स है, बट आई लाइक इट। आई थिंक वेस्टर्न के साथ पहनने के लिए काफ़ी क्यूट लगेंगे। सो काफ़ी सारी शेप है हमारे पास, छोटे छोटे हार्ट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे अलग से पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। देन वी हैव अ लीफ पेटल सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर हमारे पास ये दो बड़े हुप्स हैं जिसमें से क्रॉस का साइन आता है, जो आपको हल्का सा एक बड़ा साइज में मिल रहा है। देन हमारे पास दो प्लेन, लाइक एक सेट ऑफ प्लेन हुप्स भी हैं जो बिल्कुल बालियाँ, जिसको आप बोलते हो खाली, जो बाली टाइप होता है वो है। फिर हमारे पास ईवल आई, आई थिंक ईवल आई इज द रीजन वाई मैंने सेट लिया, बिकॉज इसमें मुझे ईवल आई वाला काफ़ी क्यूट लगा, बट वेरी टाइनी यार, मतलब जब तक कोई एकदम आपके पास नहीं आएगा ना पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये ईवल आई काफ़ी छोटी है। तुम ट्रेडिशनल बालियाँ पहनते थे छोटी छोटी, ये बिल्कुल वैसी ही लगेगी, बट डेफिनेटली अगर आपको छोटी इयरिंग्स का शौक है तब भी आप देख सकते हो, बिकॉज प्राइस पॉइंट के हिसाब से सेट ऑफ इयरिंग्स इज नॉट अ बैड डील। नेक्स्ट इज ऑल्सो ज्वेलरी आइटम फ्रॉम द सेम ब्रांड जूस गैलेक्सी, लेकिन जो ज्वेलरी कैटेगरी है ना ये मैं हार्डली पहनती हूँ, हार्डली भी क्या मैं पहनती नहीं हूँ, बट रिसेंटली मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस करना शुरू किया, एज मैं हाथ सबके देखती हूँ जब वो लिपस्टिक का शॉट लेते हैं, कोई भी हैंड शॉट होता है, सबने रिंग्स पहनी होती है और आजकल मल्टीपल रिंग्स का काफ़ी फैशन है। सो जस्ट फॉर द सोशल मीडिया से एक मैंने ये मंगवा ली कि जब भी मैं शूट करूँगी तो मैं ऐसी मल्टीपल रिंग्स पहन लूँगी, अच्छा लगता है, खाली लगता है। एटलीस्ट रियल लाइफ में मैं इतनी रिंग्स नहीं पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है रिंग्स का। सो ये जूस गैलेक्सी की सेट ऑफ रिंग्स, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी रिंग्स मिल जाती हैं, दो दो सेम डिज़ाइन की, एक ऐसे ट्विस्टेड पैटर्न में आती है, एक लाइक ब्रेडिंग सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न के अंदर आती है, एक के अंदर बहुत सारे ऐसे लूप्स सॉर्ट ऑफ बने हुए हैं, और ये काफ़ी बड़ी है, लाइक इफ़ यू सी द साइज ऑफ द रिंग, ये इस हाथ में मुझे काफ़ी ढीला आ रहा है, भाई थंब में एकदम फिट आ रहा है। सो आई थिंक ये वाली रिंग्स का जो साइज़ है वो हर एक फिंगर के साइज के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। सो ऐसी वाली रिंग आपके थंब में डल जाएगी, देन ये जो पूरी हुप वाली है ना ट्विस्ट ट्विस्ट जो जा रहा है ये डल जाएगी इसके अंदर, बिकॉज या द साइज मैचेस टू दिस। एक ये हो गया, देन वी हैव दिस ब्रेडिंग सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न बना हुआ है, ये भी थंब के लिए, यार काफ़ी बड़ी है यार, लाइक यू कैन सी खाली मेरे थंब में ही आ रही है, बाकी सारे फिंगर्स में मेरे नहीं आ रही हैं, मेरी फिंगर्स वैसी भी पतली हैं, इसको मैं फिर भी टाइट कर सकती हूँ बिकॉज मैं ऐसे दिया हुआ है। सो इसको मैं पहन के, ओ मैं तोड़ दी, मैं इसको खाली दबा रही थी यार और ये टूट गई, ओ शिट। क्या यार कशिका, चीज़ आती नहीं है, उसका सत्यानाश तुम पहले कर देती हो। कैन यू सी यहाँ से टूट गई, मैं इसको खाली ऐसे साइज कर रही थी अपने हिसाब से, मैंने तोड़ दी। चलो कुछ नहीं कर सकते, सो नाउ यू नो द क्वालिटी इज़ नॉट द बेस्ट, बट हाँ ऑब्वियसली ऐसे सस्ते वाले मेटल को आप इतना ट्विस्ट करोगे तो चीज़ टूट ही जाएगी, मेरी भी गलती है, बट नेवर माइंड, ये तो हो गई हमारी स्वाहा, बाकी सारी वो वाली नहीं है, साइज करने वाली नहीं है, एकदम बप्पी लहरी लग रही हूँ मैं, बट दिस इज हाउ माई हैंड्स लुक लाइक। अभी ऑब्वियसली मैंने अजीब तरीके से पहनी है, ये वाली काफ़ी बड़ी है, ये मेरे थंब में भी ढीली आ रही है, सो यू कैन सी कि साइजेस का इशू इसके साथ हो सकता है। ओनली रिंग आई लाइक इज दिस वन, ये जो ट्विस्ट पूरा ऐसे पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे पैटर्न दिया हुआ है ट्विस्ट वाला, सो इसको आप ऐसे करके पहन सकते हो। आई थिंक दिस इज द ओनली डिजाइन जो मुझे पसंद आया और प्रिटी भी लग रहा है। कमिंग टू द लास्ट ज्वेलरी आइटम, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड शाइनिंग डीवा फैशन। अगर आपने मेरा प्रीवियस अमेजोन हॉल देखा होगा उसमें आपने देखा था मैंने इसी ब्रांड का ब्रेसलेट मंगवाया था जो मुझे काफी प्रिटी लगा, सो मैं इंप्रेस हो गई थी इस ब्रांड से। सो मैंने एक और चीज ऑर्डर करी है, ये भी ऐसे स्टाइलिश बॉक्स सॉर्ट ऑफ थिंग के अंदर आती है। सो इस ब्रांड की भी जो चीज है ना आप गिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज प्रॉपर ऐसे बॉक्स में आ रही है ना तो एकदम गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट रहती है। ये भी बेसिकली इयररिंग्स है बट इतने बड़े नहीं है, डब्बा काफी बड़ा है, इयररिंग्स छोटे आए हैं। इसमें भी मैं हल्की सी डिसअपॉइंट हो गई, मतलब आई डोंट नो, इमेजेस में देखते तो ऐसे लगता ना कितना बड़ा आएगा, लेकिन रियलिटी में इतना बड़ा नहीं होता, बट मेरे हिसाब से मुझे साइज काफी अच्छा लगा जब मैंने इसको अभी पहनकर देखा, मुझे एकदम बढ़िया लगे बिकॉज मेरा फेस कट काफी छोटा है। सो दिस इज हाउ द लुक लाइक, परफेक्ट फॉर इंडियन सॉर्ट ऑफ ओकेजन। यहाँ पर आपको हल्का सा सिल्वर का काम मिल रहा है, थोड़ा सा गोल्डन का टच है, यहाँ पर एक फ्लावर सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिया हुआ है। सो एक हुप की लुक भी आती है और एक इयररिंग की लुक भी आती है, एंड मेरा जो फेस कट है ना मेरे ऊपर ऐसे सर्कुलर इयररिंग्स बहुत प्रिटी लगते हैं। आपको हमेशा अपने फेस कट के हिसाब से इयररिंग पहनना चाहिए, मेरे ऊपर ये वाला कट बहुत प्रिटी लगता है। सो या वेरी वेरी एक्साइटेड, आई थिंक ऐसे हल्के फुल्के जो फंक्शन होते हैं सूट एंड ऑल के साथ काफ़ी प्रिटी लगने वाला है, एंड सिंस दोनों कलर हैं तो सिल्वर गोल्डन दोनों आउटफिट के साथ जाएगा, सो ओवरऑल वेरी हैप्पी। नेक्स्ट आइटम इज समथिंग जो काफ़ी टाइम से मेरी विशलिस्ट में रखा हुआ था और मुझे चाहिए था, बिकॉज अब काफ़ी सारे फंक्शन फैमिली फ्रेंड्स में आने वाले हैं
और क्या होता है, हम जो इंडियन फंक्शन में क्लचेस कैरी करते हैं, बैग्स कैरी करते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और उसके अंदर जो एक कोम्ब आ पाता है ना, वो होता है एक देसी वाली जो कंगी जिसको हम बोलते हैं, एक फ्लैट कोम्ब होती है, वही उसके अंदर फिट आ पाती है। लेकिन वो वाली कोम्ब से अगर आप बाल बीच में टचअप करोगे ना, एकदम ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, बिकॉज वो आपके बालों की वॉल्यूम को ख़त्म कर देता है। सो मैंने काफ़ी टाइम से अमेजोन पर देखा था, सो ये बेसिकली फोल्डेबल ऐसे कोम्ब होता है। और ये कहाँ से खुलेगा, ओके मुझे इसको पील करना पड़ेगा, सो मैं इसको टीयर करके दिखाती हूँ। तो ये बेसिकली फोल्डेबल सॉर्ट ऑफ होता है, और इसमें आपको दोनों मिलते हैं। सो एक साइड आपको ये ऐसे कोम सॉर्ट ऑफ मिल जाएगा जो ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, और एक साइड आपको ये प्रॉपर वाली कंघी मिल जाएगी जो ऐसी होती है, एंड देन यू कैन फोल्ड इट अप। सो आपके काफ़ी छोटे क्लच में भी ईजिली आ जाता है। आई थिंक कलर मुझे रैंडम आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर मैंने ब्लू वाले चूज़ किया था, मुझे नहीं पता, बट या इट वर्क्स वेल। मुझे ऐसे वाले जो कोम स्टाइल होते हैं ना, इससे कोम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे इससे लगता है कि मेरी वॉल्यूम नहीं जा रही बालों की। अगर मैं इस साइड से कोम करती हूँ ना, तो मेरे बाल अजीब से ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील होता है। अभी देखा ये देखो, हुए ना फ्लैट, इस वाली साइड से फ्लैट हो जाते हैं। बट नेवर माइंड, ये मुझे दोनों ही मिल गए इसके अंदर, सो बढ़िया। अगर मुझे टचअप करना होगा बीच में तो एकदम परफेक्ट रहेगा। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, सो इजीली आपके बैग में भी आ जाता है। सो दिस इज समथिंग वेरी एसेंशियल फॉर एवरी वुमेन। नेक्स्ट वन इज अगेन समथिंग फॉर कॉम्पैक्ट पैकिंग। आप सोचो ये कशिका क्या कॉम्पैक्ट पैकिंग की बातें कर रही है आजकल। देखो आजकल हम फैशन ही रहा बड़े बड़े बैग्स को कैरी करने का, हैंड बैग कैरी कर रहे तो कॉलेज टाइम के बाद मैंने किया ही नहीं है। मैं इधर उधर भी जाती हूँ, छोटे छोटा स्लिंग कैरी करती हूँ, और जितना छोटा स्लिंग होता है ऑब्वियसली उसके अंदर आप बड़ा सा वॉलेट नहीं रख सकते। और मैं पर्सनली अब बड़े बड़े वॉलेट नहीं कैरी करती, बिकॉज हर जगह तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है, UPI पेमेंट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना कार्ड चाहिए, मेट्रो कार्ड, या फिर थोड़ा बहुत आपको कैश चाहिए होता है। सो मुझे ये दिखा अमेजोन पर, ये मेरी विश लिस्ट में रखा हुआ था, मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। पहली बात तो इसका कलर रेड है, मैंने रेड टॉप पहना है, बिकॉज मेरे पंडित जी ने बोला है कि इसको लाल ज़्यादा पहनाया करो, इसके लिए लकी होता है। सो मैंने सोचा वॉलेट भी रेड कलर का ले लेते हैं, क्या पता लक्ष्मी जी एकदम बरस जाए इसके अंदर, टच वुड ऐसा ही हो। सो ये कुछ इस तरह का ना कॉम्पैक्ट ऐसे पाउच आता है, ऐसे यहाँ से खुलता है। देन वी हैव अ क्रेडिट कार्ड, ओके अमेजोन ने हमें क्रेडिट कार्ड भेजा है, काश मैं इससे शॉपिंग भी कर पाती। नेवर माइंड, यहाँ पर आपको मिलेगा पाउच, एक कंपार्टमेंट बेसिकली, यहाँ पर आप अपना कार्ड कुछ भी डाल सकते हो, और अंदर ये पूरा इतना सेक्शन मिल जाता है। दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। मैं यहाँ पे अपने दो कार्ड्स डाल सकती हूँ और अंदर थोड़ा बहुत चेंज डाल सकती हूँ। इसको ऐसे बंद किया और कितना भी छोटा स्लिंग हो ये इजिली फिट आ जाएगा। आजकल फैशन भी चल रहा है छोटे छोटे बैग्स कैरी करने का, सो वॉलेट कैरी करने से अच्छा यही बढ़िया है। अगर बैग ना भी कैरी करना होगा तो मैं इसको इजिली अपने जीन्स के पॉकेट में स्लाइड कर सकती हूँ। सो ये रियली नाइस एंड क्यूट इन्वेस्टमेंट फॉर कॉम्पैक्ट पैकिंग। अब बचे हैं फुटवेयर, लेकिन उससे पहले एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन आइटम मैंने मंगवाया है। वैसे ज्वेलरी नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। लुक्स लाइक अ 3-लेयर लंच बॉक्स, मतलब अगर 3 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हो तो मम्मी इसी में लंच पैक कर देगी आपका, जाओ बेटा जितनी रोटी सब्जी खानी है खाओ, बट नहीं, लंच बॉक्स नहीं है। ऐसे स्टैक्स आपको मिलेंगे और सबके अंदर आपको ऐसे पार्टीशन मिलेंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज पार्टीशन रिमूवेबल है, ये मुझे अभी पता चला, विच इज़ अ नाइस थिंग। बिकॉज अगर मैं इसके अंदर ज्वेलरी स्टोर कर रही हूँ, कोई झुमका बड़ा होगा, कोई ईयरिंग छोटी होगी, सो अगर बड़ा ईयरिंग होगा तो मैं बड़ी स्पेस दे सकती हूँ, एंड पार्टीशन को आप हटा भी सकते हो। आप पार्टीशन को छोटा नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अलावा इन्होंने साइड में स्पेस नहीं दी इसको कम करने के लिए। आप खाली ऑटो पार्टीशन को रख सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो अपने हिसाब से। सो ऐसे आपको इसके अंदर 3 लेयर मिलती हैं, सबसे पहले एक स्टैक, फिर ये आपको दूसरा वाला स्टैक मिलता है, और फिर ये टॉप वाला आपको स्टैक मिल जाता है जिसके ऊपर ये लिड लगी हुई है, और आप इसको कैरी भी कर सकते हो। कलर मुझे रैंडम रिसीव हुआ है, आई थिंक कलर आप नहीं चूज कर सकते, बट प्यारा सा पीची कलर मुझे रिसीव हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, नीचे से भी देख सकती हूँ, एंड नॉट जस्ट फॉर ज्वेलरी, आई थिंक आप इसको और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। बाय द वे इसमें नीचे भी स्टैक करने का ऑप्शन है, सो अगर इसी में एक बड़ा साइज भी आता होगा तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नीड कि आपको कितनी चाहिए होगी। अगर मैं इसको काउंट करूँ 6-8 के अंदर है, सो 6-12 एंड 18 आपको सेक्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। सो 18 सेक्शन अगर आपके लिए मोर देन इनफ है तो ये साइज एकदम परफेक्ट है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर बिगर वन। आई लाइक इट, आई थिंक ज्वेलरी सेविंग या फिर वैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट है, नाइस। नाउ कमिंग टू फुटवेयर, सबसे पहला फुटवेयर है एक स्पोर्ट्स शू सॉर्ट ऑफ फुटवेयर, लेकिन ये शूज नहीं है, ये बेसिकली सैंडल वाली आपको वाइब देते हैं, और डब्बा ऐसा काफ़ी गला हुआ डब्बा आया है, आई डोंट नो इतना डीफॉर्म फॉर्म में क्यों आया है, बट हमें क्या मतलब, हमें फुटवेयर से मतलब होना चाहिए। सो अंदर से फुटवेयर दिखते हैं कुछ इस तरह से, दीज आर बेसिकली सैंडल्स। हमारे टाइम में ऐसी वाली सैंडल बहुत चलती थी, आई स्टिल रिमेंबर, हम शायद ट्यूशन पहन के जाते थे, ऑब्वियसली इतनी नीचे से चंकी नहीं होती थी, हमारे टाइम में फ्लैट चलती थी, लेकिन आजकल ऐसे चंकी वाली हील का काफ़ी फैशन है। सो ओवरऑल एकदम शूज़ की एक लुक देते हैं, लेकिन ये सैंडल स्टाइल में आते हैं, विच इज़ नाइस। अभी जैसे मानसून चल रहा है या गर्मी में स्वेटिंग होती है लोगों को, शूज़
पहनने का मन नहीं करता बट एट द सेम टाइम आपको शूज का कम्फर्ट चाहिए. ये मैंने आते ही ट्राई करके देख लिया था एंड आई लव्ड इट. मतलब मुझे पहले लग रहा था कि अमेजोन से ले रही हूँ, पता नहीं कैसा आएगा, ब्रांड मुझे नहीं पता, बिल्कुल रैंडम कोई ब्रांड थी, बट जब मैंने ट्राई किया मुझे काफी अच्छा लगा. क्वालिटी वाइज मुझे ठीक लगी, ना ज्यादा भारी है मटेरियल में ना ज्यादा लाइट है, लाइक बिल्कुल इसका हल्का वाला मटेरियल नहीं है, हल्का सा मुझे वेट फील हो रहा है विच इज अ नाइस थिंग. सॉलिड है एकदम, सो आप इजिली मॉनसून एंड ऑल में पहन सकते हो. ऑब्वियसली जब मैं इसको अच्छे से पहनूंगी चल के देखूंगी तभी मैं आपको बता सकती हूँ. और ऐसी चीजें मैं कब बताती हूँ, मैं अपने मंथली फेवरेट्स में बताती हूँ. सो अगर ये चीज अच्छी चली एकदम ड्यूरेबल रही सो डेफिनेटली मेरे फ्यूचर मंथली फेवरेट्स में मैं शायद इसको फीचर करूं. बट ओवरऑल आई लाइक इट. एंड कमिंग टू द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल, दीज प्रिटी फ्लैट सैंडल्स, दिस हाउ दे लुक लाइक. मुझे काफी टाइम से ऐसी सैंडल चाहिए थी जो एथनिक के साथ भी प्रिटी लगे. फॉर एग्जाम्पल कुर्ती पहनी है डेनिम के साथ, कुछ बहुत ड्रेस पहनी है कुर्ती स्टाइल में, सो समझ नहीं आता कोल्हापुरी चप्पल अगर जूतीज नहीं पहनी हो, कुछ खुला खुला पहना हो जिसमें स्वेटिंग ना हो, कंफर्टेबल रहे. सो मुझे ये डिजाइन काफी अच्छा लगा. इस डिजाइन में काफी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे बट मैंने ये ब्लैक कलर पिकअप किया है बिकॉज ये सबके साथ जाता है. सो आगे इसमें यहाँ पे बेल्ट दी हुई है, सॉर्ट ऑफ एक बकल बो का बहुत प्रिटी डिजाइन है. पीछे आपको बैक सपोर्ट भी मिलता है इसके साथ और बेल्ट से आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने पैरों के साइज के हिसाब से. मैंने पहन के देखी एकदम कंफर्टेबल है. 38 है मेरा साइज बाय द वे. एंड आपने अगर नोटिस किया होगा आजकल ट्रेंड चल रहा है जिसमें खाली आगे स्ट्रैप होता है, लाइक आजकल काफी सी चप्पल सेल भी हो रही है खाली आगे से स्ट्रैप होता है, दैट्स इट, पीछे सपोर्ट ही नहीं होता है. मैं जब भी उनको देखती हूँ ये पहन कैसे लेते हैं. मैं स्पेसिफिकली कोई भी फुटवेयर बिना बैक सपोर्ट के नहीं पहन सकती. आई थिंक जब चलो ना तो पट पट की आवाज़ आती है, पैर उठते हैं, मुझे वो बिल्कुल ग्रेसफुल नहीं लगता, प्लस सपोर्ट भी नहीं मिलता. सो डू लेट मी नो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो, बिकॉज मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू है. मुझे ऑनलाइन इतने फुटवेयर पसंद आते हैं बट अगेन उनमें बैक सपोर्ट ही नहीं होता. सो मुझे जब ये दिखे आई वाज लाइक आई हैव टू गेट देम बिकॉज ऐसे वाला स्टाइल मेरे पैरों पर काफ़ी क्यूट लगता है. सो या दिस हाउ दे लुक लाइक एंड कंफर्टेबल भी है. बाकी ड्यूरेबिलिटी का जब अच्छे से पहनेंगे तभी बता सकते हैं. And that is it for today's haul. I hope you liked it and enjoyed it as well. In sabke link aur my haul store ka link aapko niche description box mein mil jayega. So please check kar lena. Also do let me know in the comments ki inme se kuch bhi agar aap plan kar rahe ho lene ka ya agar aapne liya hai to aapko kaisa laga. Kuch bhi share karna ho niche comment section mein zarur share karna, ya fir inme se kaun sa ek item hai jo aapko kaafi acha laga. या फिर किसी का रिव्यू चाहते हो कि उसको मैं प्रॉपर टेस्ट करूं और बताऊं तो वो ही मुझे बता देना. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. मेक श्योर आपने सब्सक्राइब बटन को हिट कर दिया होगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी मेरा फेस देख पाओ. बेल आइकन हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे. एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर मैं काफी सारे क्विक अपडेट्स, रिव्यूज, डील्स जो भी आती है ना मैं स्टोरीज में हमेशा शेयर करती हूँ. सो गो देयर एंड फॉलो मी देयर एज वेल. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय बाय.